मेक श्योर संडे वाले दिन एक चीट मील का कॉन्सेप्ट आता है. लास्ट संडे को भी मैंने ये चीज पोस्ट की थी. कुछ चीजें याद रखें. देखें, अगर 5 days वीक के अंदर 5 या 6 days आप प्रॉपर बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, 1 day आप ओवरलोडेड चीट मील कर लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि यार कुछ लोगों की बॉडी रिस्पॉन्ड कर जाती है, उनके लिए बेटर रहता है, कुछ लोगों के लिए वेट वहीं गेन हो जाता है. दो तरह से ये चीज़ें काम करती हैं. एक वन वे में ये होता है कि आपकी बॉडी, अगर आप नॉर्मल देसी फूड छोड़ रहे हैं, बाहर के खाने छोड़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है. 1 महीना चीट मील नहीं किया, 1 महीने के बाद जब आप कोई बाहर का चीट मील ऐड अप करते हैं, मीठा ऐड अप करते हैं, तो आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है. वो क्यों? आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट ऐसी बनाई है कि वो मेटाबोलाइज ऐसे होती है कि आप अगर 1-2 महीने जो भी सर्टेन फूड खाएंगे, बॉडी यूज टू हो चुकी होगी. आप वो छोड़ेंगे तो बॉडी प्रॉब्लम करेगी. सेम गोज अगर आप चीट मील का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, चीट मील के ऊपर वेट भी कम हो रहा है, तो फिर ठीक है, फिर इंजॉय करें. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होता और वेट जो है वो वहीं का वहीं रहता है. तो उस सिनेरियो के अंदर एक चीज याद रखें कि चीट मील को अवॉइड करें, हेल्दी ईट आउट ऑप्शंस में चले जाएं. स्टेक्स, बारबेक्यू, चाइनीज, ये वाले ऑप्शन चल सकते हैं, इनके ऊपर फोकस करें वो वीक में 2-3 दिन भी, और ट्राई टू अवॉइड चीट मील कॉन्सेप्ट. सो आई होप ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी, चीट मील का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जा सकता है. टेक केयर, बाय बाय.